नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या आम आदमी पार्टी फिर से वापसी करने वाली है, यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल चुने जाएंगे, या फिर कोई और ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाली, या फिर कोई और मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। यानी कि लोकसभा में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में बात कर लेता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें, यानी कि कौन कौन से इलाकों में पड़ेगा ये। बलीमारन, चांदनी चौक, करोल बाग, मटिया महल, मोती नगर, पटेल नगर, सदर बाजार के इलाकों के 7 विधानसभा सीटों, यानी कि केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 5 विधानसभा सीट और बीजेपी को यहां पर 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी का तो यहां पर 0, अन्य पार्टी का तो यहां पर 0-0 सीट। पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें, यानी कि कौन कौन सी सीटें हैं तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। गांधीनगर, कोडली, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, पटपटगंज, सदरा, त्रिलोकपुरी और विशाल नगर के इलाकों की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का 5 सीट, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के इलाकों की बात करें तो यहां पर कौन कौन से इलाके आ रहे हैं। नई दिल्ली की बात करें तो यहां पर ग्रेटर कैलाश, जगपुरा, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, नई दिल्ली, अकोला, आर के पुरम इलाकों की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 3 विधानसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के 0, अन्य पार्टी का तो 0-0 सीट। दोस्तों, दिल्ली की 70 में से 22 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहां पर बीजेपी खाते में 9 सीटें, 13 सीट ऊपर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। यानी कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी पिछड़ रही है, आम आदमी पार्टी सबसे आगे और बीजेपी यहां पर 9 के आंकड़े पर ही पीछे चल रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नई दिल्ली की अगली, यानी कि उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। आदर्श नगर, बुरारी, मॉडल टाउन, शंकुर बस्ती, शालीमार बाग, तिमारपुर, त्रिल नगर, बंजीरपुर की यानी कि बात कर लेते हैं। उत्तरी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 2 पर आम आदमी पार्टी, 6 पर बीजेपी। इस कोण की 8 विधानसभा सीटें हैं, इस कोण में कौन कौन सी 8 विधानसभा सीटें हैं तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस कोण की 8 विधानसभा सीटों में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, 5 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का 0, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से आम आदमी पार्टी का 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, अदर पार्टी खत्म है 0-0 सीट। दिल्ली की 70 में से 46 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी खत्म है 21, तो बीजेपी खत्म है 25 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 3 पर आम आदमी पार्टी, 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है 0-0 सीट। पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से आम आदमी पार्टी का तमें 5, तो 3 पर बीजेपी। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 2 पर आम आदमी पार्टी, 6 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। दोस्तों, दिल्ली की 70 में से सभी 70 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें, यानी कि जीत के आंकड़े को पार कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। न जाने कितने साल का वर्माश भोग कर बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है और आम आदमी पार्टी की 30 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी का तमें 0 सीट और अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।